हेलो हेलो हाँ डॉक्टर आरिफ बोल रहे हैं। हाँ जी आप कौन? अशोक भारती बोल रहा हूँ, जिला अध्यक्ष भाजपा। हाँ जी बताइए सर। डॉक्टर साहब जब मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो एक बात सिखाई जाती है कि मरीज से मुस्कुरा के बात करिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल 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 सिखाई जाती है सर। हाँ तो ये इनसे क्या दिक्कत है जोरा के जो हमारे कार्यकर्ता है केशव जी वगैरह? हाँ एक नंबर में भर्ती है केशव जी, है उनका छोटा बच्चा है कोई 8-10 महीने का। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं देख रहा हूँ। अरे कोई परेशानी आपको उनसे? नहीं हमें कोई, हमें क्या परेशानी होगी, मरीजों से हमें क्या परेशानी होगी ये बताइए। आपको कोई परेशानी हो तो बताइए। अरे किससे बात कर रहा हूँ मालूम आपको? अरे मैं उनको कोई परेशानी हो तो वो बताइए ना, हमें मरीजों से क्या? नहीं, आप अभी तो आप कह रहे थे आपको कोई परेशानी तो बताइए। अरे आपने कॉल किया ना तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कोई बात है तो बताइए। अशोक भारती बोल रहा हूँ जिला अध्यक्ष भाजपा, उस दिन कार्यक्रम में थे? किस कार्यक्रम में? वो उस दिन जो नारी सशक्तिकरण वाला कार्यक्रम था। नहीं सर मैं नहीं था, मेरा फ्लू ओपीडी ड्यूटी चल रही थी। मरीज से तमीज से बात करिए मुस्कुरा के अच्छे से। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, वो बदमाशी दिखा रहा है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो ये बताइए सर ये सुनने के लिए तो नहीं है ना यहाँ पे, आप बताइए। नहीं आप क्या के लिए, आप मरीज जब परेशान होता जाने क्या क्या कहता है डॉक्टर से? नहीं तो परेशान हो ना, परेशान हो तब कहें, जब बिना परेशानी के कहेंगे बिना वजह हमें धमकाएंगे तो सर धमकी तो सुनने के लिए बैठे नहीं है सर यहाँ पे। तो उसे मारो तुम। हम क्यों मारेंगे सर, हम क्यों मारेंगे आप ये बताइए, ये थोड़ी हमारा काम है मारना। फिर क्या काम है? हमारा काम है इलाज करना। तो थोड़ा तरीके से सही से बात करिए। अभी जब ऋषभ ने कहा, वो उसने ऋतु जी ने आपसे कहा, उसके बाद भी उसके सामने आपने उससे वैसी बात करी? मैंने कुछ नहीं कहा, वो उंगली उठा उठा के बात कर रहा था। मैंने कहा भाई उंगली अंदर कर ले, उंगली उठा के बात थोड़ी करे। क्यों आप कोई कॉलेज के स्टूडेंट हो क्या, उंगली अंदर कर ले? अरे सर मैं यूनियन के अध्यक्ष हो क्या बात है, यह बहुत बड़ी तोप हो आप वहाँ पे। हम कुछ नहीं है सर। फिर लेकिन हम उंगली अंदर कर ले, ये तो वो जो वो होते हैं ना सड़क के गुंडे, वो कहते हैं हाँ उंगली क्यों उठाई और उस पर इस बात पे वो बात करते हैं। तो सर ऐसे उंगली उठा के कोई बात करेगा तो सर किसी को भी खराब लगेगा, अधिकारी सामने खड़ा हुआ है तो उंगली उठा उठा के बात कर रहा है तो ये तरीका थोड़ा सा उनको भी तो वो बताएगा उंगली उठा के, वो बुजुर्ग आदमी बुढ़ा आदमी कमजोर आदमी उस पर वो दिखा रहे हैं उस पर। वो नहीं वो नहीं कुछ कहते हैं, अंकित की बात कर रहा हूँ मैं, अंकित की बात कर रहा हूँ मैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। जो अंकित कौन? अरे उनका लड़का है सर 28 साल का। हाँ तो क्या हो गया, परेशान आदमी होगा अगर वो कर रहा है आपके बारे में इंगित कर रहा है तो आप इतना बुरा क्यों मान रहे? नहीं इंगित करने वाली बात है, जो तरीके से बात करी है, बिना बदतमीजी से बात करेंगे तो नहीं। तो आपने आपने मेडिकल की पढ़ाई करी है, आपका मेंटल स्टेटस अच्छा है, ठीक है ना? आपको मालूम है समाज में तमीज क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, बात करने का तरीका क्या होता है। वो पढ़ा लिखा गाँव का आदमी अगर बात करा तो आपका और उसका मेंटल स्टेटस एक सा हो जाए। नहीं बिल्कुल सर परेशान है, उस चीज को हम समझ रहे हैं, जो भी दिक्कत नहीं नहीं मैं और बात पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, व्यवहारिक बात करो, आपका आईक्यू लेवल और उसका आईक्यू लेवल एक सा है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो हम उसी लेवल पे उनसे बात। तो उसे 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 वो गांव की मेड़ से निकल के आया तो उसकी तमीज और आपकी तमीज बराबर की है क्या? वो ये कह रहा है कि मैं तुझे अपनी नेतागिरी दिखाऊंगा, तो मैं कहा भाई दिखा तो नेतागिरी सुनो सुनो पहले बात सुनो डॉक्टर साहब, वो वर्मा जी का जो अभी सांसद है हमारे, उनके गांव का लड़का है, उससे हो सकता है उसका कोई बात हुई हो, ठीक है ना? अच्छी बात है। लेकिन ये कोई पहले पूरी बात सुन लो, ये कोई आपको ना हड़काने के लिए ना धमकाने के लिए ना कोई बात बताई जा रही है। नहीं होना भी नहीं चाहिए सर, ऐसा हड़काना चाहिए भी नहीं सर। हाँ तो आपको भी उससे उतनी प्रॉपर तमीज से उसको समझाना चाहिए, आप पढ़े लिखे ज्यादा हो अच्छे पद पे हो तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा विनम्र होने की है। सर मेरी तो जिम्मेदारी, मैं उसको अच्छे से समझता हूँ और मैं उसका समझिए समझिए डॉक्टर साहब, ये पहली शिकायत नहीं है आपकी, तीसरी चौथी शिकायत है आज तक। हाँ आप समझ रहे हो फिर उसमें? नहीं आप जो है जितने भी मरीज गए हैं, पहले जो गुप्ता जी थे उनके पिताजी पूरी तरीके से सही होकर गए, आप उनसे ले सकते हैं रिपोर्ट हमारी, जितने मरीज सही होकर गए आप व्यवहार के बारे में सर पूछ सकते हैं, ठीक है? व्यवहार हमारा सही रहता है लेकिन बदतमीजी सर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो बदतमीजी किसने कर दी आपसे, आपकी शान में क्या गुस्ताखी कर दी उसने? हमारी शान में कुछ नहीं, वो हमसे कह रहा है डिस्चार्ज कर दो। मैंने कहा देखो भाई डिस्चार्ज की पॉलिसी नहीं है, हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वो हमारे समझाइए प्यार से उसको बताइए, नहीं समझे अपने दूसरे क्लिनिक से कह दीजिए वो समझा देगा। अरे फिर वो बदतमीजी दिखाने लगा,
कि मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, एक फोन होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहा भाई देख, फोन तो मैं करना है, कर लो, जो होगा फिर हम बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सर मैंने क्या गलत कर दिया बताइए, क्या हो जाएगा आप बताइए मेरा यहाँ पे। हरीश जी, जी अभी अभी सर्विस परमानेंट भी नहीं है, है ना, पहली चीज। नहीं सर, सर्विस परमानेंट, मेरी बात सुनो जी सर। दूसरी चीज ये, हमेशा जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसे ज्यादा विनर बनना होता है, उसे बोल, अगर अगर वो लौट के जवाब दे रहा है, जैसे आपसे किसी रिक्शे वाले का झगड़ा हो जाए जी सर, ठीक है ना जी सर, और आप रिक्शे वाले में 10 चपत मार दो और वो एक चपत आप में मार दे, भले भिड़ जाए आपसे, तो बेइज्जती आपकी हुई, उसकी कुछ नहीं हुई। तो सर उसका हम ध्यान रखते हैं ना सर, हम इसीलिए भिड़ते नहीं किसी से सर। हाँ तो इसलिए ध्यान रखो, तरीके से उसको ट्रीटमेंट दो आप। आप उसको समझा दी सर, ट्रीटमेंट पूरा मिल रहा, लेकिन उसको बोला था गुंडागर्दी बेटा मत करो, गलत है ये, ऑनली टू डॉक्टर्स को आप धमकाएंगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है आप उनको बोलिए, प्रॉब्लम का नहीं सॉर्ट आउट होता है, आप बताइए जो वो है उन्हें, ठीक है, लेकिन ऐसे तुम धमकाओगे तो ये तुम्हारा गलत है व्यवहार वहाँ पे, या आप सर उनको इतना कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है सर। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर जैसे वो धमका ही गया तो क्या करोगे, लड़ोगे उससे के जाके? अरे सर हम क्यों लड़ेंगे, ये हमारा काम है, आप बताइए सर। हाँ तो फिर उससे मरीज के जो और वार्ड के लोग हैं वो भी तो आपका व्यवहार देख रहे हैं ना, रिपीट, इसलिए सारी चीज अच्छे से रखिए, आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे, आप अधिकारी की तरह हो। सर हम अधिकारी की तरह है, हम उससे पहले हम सर डॉक्टर की तरह, हम तो अधिकारी अपने आप को मानते ही नहीं, अधिकारी तो वो है। हाँ तो बस अभी अभी उतनी बात सुन के समझिए और उसमें सुधार करिए व्यवहार, उससे भी कह देंगे, आपसे कह रहे हैं उससे भी कहेंगे। उसको समझा दिए, आज भी वो बदतमीजी दिखा रहा था, कहना देखो बार बार बदतमीजी मत दिखाओ, सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बदतमीजी दिखाना खाली FIR कर देंगे तुम्हारे नाम, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। FIR करा लो आप उसकी, तुम्हारा काम करो आप, हाँ आप FIR कराओ उसके नाम, अगर दोबारा करेगा तो। हाँ अभी अभी भी करेगा, मैं कह के कराऊंगा, फिर FIR कराना आप उसके नाम, अगर वो करेगा तो देखेंगे सर, ठीक है। हाँ तो कराना, अभी दिमाग तुम्हारा सही नहीं है डॉक्टर, बात किससे करे तुम? सर मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर, और किससे बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ तो FIR करा लोगे तुम? अरे उसके उसके कह रहा हूँ कि आप उसको समझा, मेरा फोन डालते पर बाहर मेडिकल के बाहर मिलना, उठा के ले जाऊंगा साले गाली में डाल के तुझे। अरे सर सर आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ, हर बार अच्छी बात है, एक बार मैं प्यार से समझा रहा हूँ, बात ये तरीका सीखो जीवन में, सामाजिक जीवन में रहने का। सर जी मैं सर आए, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है।